हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। इश्यू ऑफ शेयर्स का ये चैप्टर है हमारा, और ये क्वेश्चन हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए क्योंकि ये ना आपके बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ है। ये आया था आपके सीबीएसई में 2016 में आया था, ये ऑल इंडिया का जो पेपर था उसमें आया था ये, ठीक है। चलिए तो आइए इस क्वेश्चन का एक बार गिवन पार्ट रीड करते हैं, फिर इसके सॉल्यूशन पर आएंगे। क्वेश्चन हमें कहता है, एसके लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 3,20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5 पर शेयर। यानी कंपनी 3,20,000 इक्विटी शेयर इश्यू करना चाहती है, ₹10 का शेयर है, ₹5 प्रीमियम पर कंपनी इश्यू करेगी, यानी पर शेयर आपसे कंपनी ₹15 लेगी, ठीक है। नाउ द अमाउंट इज पेएबल एज फॉलोज। अभी पैसा कैसे आना है, ₹15 ही देखिए, कहता है ₹3 आएगा एप्लीकेशन पर, जिसमें ₹1 प्रीमियम का है, तो ₹1 अगर प्रीमियम है तो ₹2 फेस वैल्यू के हो गए, मैंने 2+1 लिख दिया। अलॉटमेंट पर ₹5 आने हैं, जिसमें ₹2 प्रीमियम के हैं, ₹2 अगर प्रीमियम है तो 5 में से 3 फेस वैल्यू के हो गए, और फाइनल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो है उस पर कहता है बैलेंस अमाउंट आएगा। तो देखो ₹5 प्रीमियम का बनता था, तो प्रीमियम के ₹5 बनाने के लिए बैलेंसिंग फिगर हमारे पास ₹2 आ गया, ठीक है। और फेस वैल्यू का हमारा बनता है टोटल ₹10, तो अभी ₹5 पहले आ चुके हैं, तो ₹5 हमारे पास और अमाउंट बैलेंसिंग का अमाउंट बन गया, ठीक है। तो बैलेंसिंग फिगर हमने निकाल ली। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन हमें कहता है, एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 4 लाख शेयर्स, ठीक है ना। एप्लीकेशंस कितने के लिए रिसीव हुई है, 4 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस रिसीव हो गई जी, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या कहता है ये देखें, क्वेश्चन कहता है एप्लीकेशन फॉर 40,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड एंड एप्लीकेशन मनी रिफंडेड। कहता है 40,000 एप्लीकेशन ना रिजेक्ट कर दी, तो उन्हें यानी उन्हें उन्हें शेयर कुछ नहीं दिया, एक भी शेयर नहीं दिया, तो इनका पैसा हम क्या करेंगे, इनका पैसा हम रिफंड कर देंगे, एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुकी हैं, ठीक है। अच्छा, 40,000 हटा दें अगर 4 लाख में से, तो हमारे पास कितना अमाउंट बनता है, 3,60,000। तो 3,60,000 ये लिख दिया मैंने, 3,60,000। अच्छा, क्वेश्चन क्या कहता है, उसकी लैंग्वेज पढ़े। क्वेश्चन कहता है एक्सेस मनी, नहीं, कहां पर है, हाँ जी, क्वेश्चन कहता है शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रोराटा बेसिस टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट। रिमेनिंग बचे हैं 3,20,000, और 3,20,000 को हमें देने हैं प्रोराटा बेसिस पर, जितने शेयर मांगे थे, यानी कि 3,20,000, 3,60,000 वालों को 3,20,000 शेयर देने हैं, ठीक है। एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वॉज एडजस्टेड टूवर्ड ड्यू ऑन सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। कहता है अगर कुछ पैसा एक्स्ट्रा आ गया है आपका, तो अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो जाएगा। ऑब्वियसली हम करेंगे, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहता तो भी हम करते हैं, बस कॉल मनी नहीं रखते। कॉल मनी कब रखते हैं, जब क्वेश्चन स्पेसिफिकली बताता है, बोलता है। आइए आगे क्वेश्चन कहता है, जीवन होल्डिंग 800 शेयर फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर वर इमीजिएटली फॉरफिटेड। कहता है जीवन है हमारे पास एक इंडिविजुअल, ठीक है, उसके पास 800 शेयर होल्ड करता है वो, उसने हमें अलॉटमेंट नहीं पे किया, इसलिए हमने उसके शेयर्स इमीडिएटली फॉरफिट कर लिए, मैंने आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। आफ्टरवर्ड्स फाइनल कॉल वॉज मेड, नहीं, इसके बाद, सॉरी, हाँ, आफ्टरवर्ड्स फाइनल कॉल वॉज मेड, इसके बाद गणेश हु होल्ड हु अप्लाइड फॉर 27,000, सॉरी 2,700 शेयर्स फेल्ड टू पे फाइनल कॉल। इसके बाद कहता है हमने फाइनल कॉल की, और यहां पर फाइनल कॉल में कहता है गणेश जिसने अप्लाई किया था 2,700 शेयर्स के लिए, उसने हमें फर्स्ट कॉल नहीं पे किया, इसलिए हमने इसके शेयर भी फॉरफिट कर लिए। फॉरफीचर के बाद कहता है हमने आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स, ये जो शेयर्स फॉरफिट किए हैं 2,700 का, तो हमें अलॉटेड निकालना पड़ेगा क्योंकि ये अप्लाइड दे रखा है, तो अलॉटेड निकालेंगे। इनमें से हमने 1,500 शेयर री इश्यू कर दिए एट ₹8 पर शेयर, यानी 10 का शेयर है, हम ₹8 में री इश्यू कर रहे हैं, तो ₹2 कहां से लेंगे जी, ₹2 लेंगे हम शेयर फॉरफीचर से, नुकसान की भरपाई करेंगे क्योंकि फुली पेड अप बनाने हैं। नाउ ऑल शेयर्स ऑफ जीवन आर इंक्लूडेड इन री इश्यू। जीवन के सारे यानी 800 के 800 इंक्लूडेड हैं, तो बाकी रिमेनिंग 800 के अलावा 1,500 में 700 और चाहिए, वो कहां से आएंगे, गणेश के शेयर हम फॉरफिट करके री इश्यू करेंगे वो। अच्छा, क्वेश्चन हमें क्या कहता है, कहता है जनरलाइज करो, जनरल एंट्री करो एज्यूमिंग कॉल इन एरियर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। कॉल इन एरियर अकाउंट बनाते हुए हमें जनरल एंट्रीज करनी है। चलिए तो सॉल्यूशन पर आए, सबसे पहले तो हम एप्लीकेशन रिसीव करें, 4 लाख शेयर्स पर हमें ₹3 के हिसाब से एप्लीकेशन का पैसा आएगा। आइए जी एंट्री करते हैं, बुक्स ऑफ एसके लिमिटेड, कंपनी का नाम क्या है जी, एसके लिमिटेड है, ये लीजिए एसके लिमिटेड, पहली एंट्री, पहली एंट्री क्या होगी जी हमारे पास, हमारे पास हो जाएगा, पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, बैंक अकाउंट
डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं, 4 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई 3 रुपए के हिसाब से, तो 4 गुना में 3 12, यानी कि 12 लाख रुपए, 12 लाख रुपीज हमें रिसीव हो गए जी। ठीक है, आइए इसके बाद नरेशन लिखते हैं। नरेशन क्या होगी? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर 4 लाख शेयर्स, 4 लाख के आ गई एप्लीकेशन पर हमें तो केवल 3 लाख 20 को देना है, तो देखेंगे उसे भी। सेकेंड एंट्री क्या करेंगे? सेकेंड एंट्री होगी हमारी, इस पैसे को उठाएंगे एप्लीकेशन की को और ट्रांसफर करेंगे। कहां कहां ट्रांसफर करना? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, क्रेडिट क्या होगा? कुछ पैसा जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल में, कितना जाएगा अभी बताता हूं मैं आपको। कुछ पैसा जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। कुछ पैसा अलॉटमेंट के लिए रख रहे हैं आप, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। और कुछ पैसा रिफंड भी कर रहे हैं बैंक अकाउंट। ध्यान दीजिए, आपको क्वेश्चन जितना क्लियर होगा ना, यानी याद रिटेन रहेगा, उतना फायदा है। देखो कैपिटल में कितना जाएगा? 3 लाख 20 हजार मल्टीप्लाइड बाय प्रीमियम, कितना चाहिए? 1 रुपए था तो 2 रुपए फेस वैल्यू का, तो 2 रुपए जाएगा फेस वैल्यू का यहां, और 3 लाख 20 हजार पर 1 रुपया जाएगा प्रीमियम में। अलॉटमेंट पर कितना जाएगा? 3 लाख 60 वालों को 2 लाख 20 हजार दिए हैं, नहीं 3 लाख 20 हजार दिए, तो 40 हजार का जो 3 रुपए है वो जाएगा अलॉटमेंट के लिए। 40 हजार पर 3 रुपए अलॉटमेंट के लिए रख लिए। और हमने किया क्या है? हमने 40 हजार रिजेक्ट किए थे, तो उनका पैसा रिफंड भी करना है। 40 हजार गुना में 3, इनका टोटल कर लेना आप, मैच करेगा। देखो करते हैं, ये 12 लाख रुपए तो हमने उठाए यहां से प्रीम एप्लीकेशन से, 3 लाख 20 गुना में 2 तो ये आ गया 6 लाख 40 हजार, प्रीमियम में 3 लाख 20 हजार, रिफंड कितना करोगे? नहीं, अलॉटमेंट के लिए 1 लाख 20 और रिफंड भी कर दिया 1 लाख 20 हजार, ठीक है जी। चलो अब इन्हें टोटल करके देखो आप, इनका टोटल 12 लाख आना चाहिए। देखो 6 और ये 9 10 11, 11 और 40 और ये भी हो गए आपके 60, तो 12 लाख बन गए मेरे हिसाब से, तो 12 बन रहा है, चेक कर लेना। एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड टूवर्ड कैपिटल प्रीमियम अलॉटमेंट एंड रिमेनिंग रिफंडेड, ठीक है। जो रिजेक्टेड का था वो हमने रिफंड भी कर दिया। इसके बाद आते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट एंट्री पर। नेक्स्ट एंट्री क्या है जी हमारी? अब हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, अलॉटमेंट ड्यू करना है ना। आइए अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। अलॉटमेंट पर कितना पैसा मंगवाना है ये बताओ? 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 यानी 5 रुपए मंगवाने हैं आपने, 3 लाख 20 हजार शेयर्स पर 5 रुपए मंगवाने हैं ना जी, ठीक है। चलिए टू, ये हमारे पास कैपिटल में कितना, कैपिटल के लिए कितना मंगवाएंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रीमियम के लिए कितना मंगवाएंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है। 3 लाख 20 में से 3 रुपए तो आपने मंगाए कैपिटल के लिए, और 3 लाख 20 हजार पर 2 रुपए आपने मंगाए प्रीमियम के लिए, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? ये 9 और ये 60, 9 लाख 60 हजार, और ये कितना आ गया? ये आ गया 6 लाख और ये 40,000, 6 लाख 40 हजार। तो टोटल कितना बन गया आपके पास? ये 9 और 6 15 और ये 16 लाख बन गया, चेक कर लो एक बार, 16 लाख ही बन रहा है ना, ठीक है जी। तो ये 16 लाख जो आपके ड्यू हो गए, ये आपके आने चाहिए, अब मंगवाए हैं आपने ये, अब उसमें से कुछ आ गया वो नहीं आएगा, जाहिर सी बात है। चलो पहले ये लिखें, अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 3,20,000 शेयर्स, ठीक है, शेयर्स पर पैसा ड्यू कर लिया। आइए अगली एंट्री पर क्या करेंगे? अगली एंट्री पर बात करते हैं पैसा रिसीव होने की। तो रिसीव जब पैसा होगा तो आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, आपने बैंक अकाउंट डेबिट किया। कुछ लोगों ने पैसा नहीं दिया, तो वो जिन्होंने नहीं दिया उनके लिए कॉल इन एरियर बनाना है, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि कॉल इन एरियर अकाउंट बनाइए, बना देते हैं कॉल इन एरियर।
और यहां खत्म हो जाएगा हमारा डेटर शेयर अलॉटमेंट वाला, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, अब देखें इसका वर्किंग नोट बनाते हैं हम लोग। एक वर्किंग नोट क्यों बना रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों का पैसा नहीं आया, कुछ का आया है। उसके लिए पहले ये देखो 800 इसको मिले हैं, ठीक है, तो इसके बारे में देखना पड़ेगा इसने अप्लाई कितने के लिए किया था, इसका पैसा कितना एक्स्ट्रा आ रखा था, उस पर बात है, इसलिए हमें वर्किंग नोट बनाना है। आइए, तो वर्किंग नोट नंबर वन, पहला तो क्या है, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाय, नाम क्या था इस व्यक्ति का, जीवन, अप्लाइड बाय जीवन, ठीक है, एंड फिलहाल यही हेडिंग रखो, पहले ये लिखते हैं कि नंबर निकालें पहले। देखो जी, आपके पास हमें अप्लाइड निकालना है, तो अलॉटेड से शुरू करें, जिन्हों जिनको 3,20,000 मिले हैं उन्होंने कितने शेयर मांगे थे, 3,60,000, यही केस है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया जिनको एक शेयर मिला है उन्होंने कितना मांगा होगा, 3,60,000 डिवाइडेड बाय 3,20,000, यूनिटरी मेथड चला रहे हैं हम, ठीक है ना। अब अगर हमने एक को इतना, एक ने मांगा था, एक मिला है उसने इतना मांगा था, तो मैं कहता हूं जिसने 500, इसके 500 थे 800 थे, 800 800 जिसको अलॉट हुए हैं, 800 अलॉटेड वाले ने कितने अप्लाई किए होंगे, कैसे निकालोगे, 3,60,000 डिवाइडेड बाय 3,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 800, और ये भी 800 ही है जी, किसी को समझ नहीं आया तो मैं दोबारा लिखता हूँ, ये 800 है, ठीक है। चलिए तो कैलकुलेट करके बताओ कितने अप्लाई किए थे, जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का। हाँ जी बताइए, कितना बता रहे हैं, 900, 900 के लिए अप्लाई किया था, 900 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, तब जाके कहीं 800 मिले हैं, ठीक है। आइए अब अगला काम करें इसमें हम, इसका जो पैसा हमें मेन वर्किंग नोट इसलिए बनाया है वो किसे निकालना है, देखो सुनो, पहले बताओ अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, इसने एप्लीकेशन पर कितना पैसा दिया था, इसने दिया था 900 शेयर्स पर 3 रुपए, यानी कि 2,700 रुपए। इसमें से यूटिलाइज्ड कितना किया था, हमने यूटिलाइज किया था 800 पर 3, 8 × 3 = 24, ठीक है। एक्सेस कितना हो गया इसका, इतना एप्लीकेशन पर कितना फालतू पैसा दे दिया था जो अलॉटमेंट के लिए रखना था, 300 रुपए, ठीक है। अच्छा अगली बात सुनो, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट पर कितना था, अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू, इनका अलॉटमेंट पर कितना पैसा बनता है, इनका बनता है जी 800 पर 5 रुपए, यानी कि 4,000 रुपए, ठीक है ये बात। अच्छा 4,000 बनता है, पर इन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, मानता हूं नहीं दिया, बट कुछ पैसा एप्लीकेशन का इनका पहले आ रखा था, वो एडजस्ट होगा यहां, ऑलरेडी रिसीव्ड ये अमाउंट था ना, ऑलरेडी रिसीव्ड कितना आ गया, 300 रुपये। तो 300 अगर पहले ही आ रखा है तो हमारे पास कितना आ जाएगा जी, ये हमारे पास पैसा नहीं आया 3,700, यानी 3,700 रुपये इन्होंने नहीं दिए। चलिए जी, नहीं दिए पैसे ये, तो कॉलन एरर में आएंगे ये 3,700 रुपये, ठीक है। अच्छा यहां पर आना कितना चाहिए था बैंक में, आपके देखो बैंक में आना चाहिए था 16 लाख, 16 लाख में से कुछ पैसा यानी 1,20,000 रुपये ये पहले ही आ रखा है आपके पास, 1,20,000, ये तो अब आने के सवाल ही नहीं उठता इसका, 1,20,000 पहले ही दे रखे हैं लोगों ने, प्लस 3,700 अब नहीं आए। तो मुझे बताओ कि अब कितना पैसा आएगा, जल्दी से कैलकुलेट करके मुझे बताओ कितना आएगा, कितना बता रहे हैं, 14,76,300, 14,76,300 रुपीज, ये क्या है, ये अमाउंट हमें रिसीव हो गया है, ठीक है। चलिए तो इधर कितना आ जाएगा, 16 में से 1,20 कम करो तो 15 लाख, 14,80,000 ये लीजिए, ठीक है जी, 14,80,000, ठीक है। ये क्या हो गया जी, अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट एक्सेप्ट 800 शेयर्स, और वर्किंग नोट नंबर वन का रेफरेंस दे देना ताकि क्लैरिटी मिल जाए। चलिए अब क्या हुआ है, क्वेश्चन कहता है कि आपके ये फर्स्ट कॉल के बाद ही जिन लोगों से पैसा नहीं आया आप क्या करो, उनके शेयर फॉरफीट कर दो, तो ये 800 शेयर हमें फॉरफीट करने पड़ेंगे।
तो आइए फॉरफीचर की एंट्री पर आ जाएं। फॉरफीचर की एंट्री नंबर फिफ्थ, कैपिटल खत्म होगी तो इक्विटी शेयर, कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी, कैपिटल खत्म हो रही है, प्रीमियम, इन्होंने प्रीमियम नहीं दिया 2 रुपए का अलॉटमेंट वाला, तो रिवर्स होगा वो। रिवर्स होगा तो क्या एंट्री हो जाएगी, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अच्छा ये नोट में लिखाना भूल गया, मैं लिखवा देता हूं। देखो इनके 3700 रुपए नहीं आए, अगर 3700 में से प्रीमियम की भी बात करें तो प्रीमियम के 1600 रुपए बनते हैं, तो वो भी नहीं आए होंगे 3700 में, क्योंकि एजम्पशन लेना है, ऐसी एजम्पशन लेते हैं जहां काम ज्यादा करना पड़े। प्रीमियम को रिवर्स करके दिखाएंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा एग्जामिनर को, तो एजम्पशन क्या लो कि प्रीमियम नहीं आया, नोट डाल दो, प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड फ्रॉम जीवन ऑन अलॉटमेंट, ठीक है। चलिए जी, कई बच्चे ऐसी एजम्पशन लेना चाहते हैं जब काम कम करना पड़े, भाई काम नहीं करोगे, कॉपी में कुछ लिखोगे नहीं तो नंबर कहाँ देगा एग्जामिनर, तो इंपॉर्टेंट है ऐसी एजम्पशन ना लें जहां पे ये हो, ठीक है, ले सकते हैं, कोई गलत नहीं है, ठीक है, बट फिर भी कोशिश करो ऐसी एजम्पशन लो जहां पे काम ज्यादा करना पड़े। चलिए यहां प्रीमियम को रिवर्स करेंगे हम, ठीक है। और फिर अगर एक और भी समस्या थी, मान भी लेते हैं ना कि आप प्रीमियम आया, फिर आधा प्रीमियम आया था आधा नहीं आया, तो फिर समस्या होती, तो पूरा प्रीमियम नहीं आया ये मान के चलो, ठीक है, हमारे लिए इजी भी होगा ये, ठीक है। अच्छा शेयर कितने हैं ये, 800, मंगवाया कितना है आज तक फेस वैल्यू का, 2 + 3 यानी 5, ये आ गया 4000 रुपए, ठीक है जी। अच्छा इसके बाद आपका प्रीमियम कितना नहीं आया, इसने एप्लीकेशन का प्रीमियम तो दिया था, अलॉटमेंट का नहीं दिया, अलॉटमेंट का प्रीमियम कितना बनता है 2 रुपए यानी कि 1600 रुपए। अच्छा इसके बाद हम जब्त करेंगे, क्या जब्त करेंगे, फॉरफिट करेंगे जो पैसा आ चुका है। तो देखो इन्होंने हमें एप्लीकेशन पर 3 रुपए दे दिए थे, एप्लीकेशन नहीं 2 रुपए दिए थे, तो हमारे पास 800 × 2 यानी 1600 तो हमने वो जब्त करने हैं, ठीक है जी, ध्यान से सुनना, 1600 तो वो जब्त करने हैं, या एक मिनट इनका 1 रुपया था ना, हम एक काम करते हैं रिवर्स कर देते हैं, यहाँ पे यहाँ आ जाओ, ये इनका 2700 आया था, हमें 2700 जो आया था इसमें प्रीमियम कितना था एप्लीकेशन का 1 रुपया था, अच्छा 1 रुपया था, तो 800, तो एक काम कर ले हम लोग, इन्होंने हमें 2700 दिए थे, 2700 में से प्रीमियम हटा देते हैं, 2700 में से प्रीमियम हटा दोगे तो बाकी पैसा फेस वैल्यू का आया होगा, वो जब्त कर सकते हैं क्योंकि फेस वैल्यू का ही होता है, तो 2700 इन्होंने टोटल हमें कैश दिया था, उसमें से 800 तो प्रीमियम का था जो आ चुका प्रीमियम, उसे भूल जाओ, उसको रिवर्स नहीं कर सकते, इसलिए वो फॉरफिट भी नहीं होगा, वो अलग अकाउंट में पड़ा है हमारे पास। तो 2700 में से 800 माइनस करोगे तो कितने आएंगे 1900 रुपये, 1900 रुपये किसके आ गए जी, शेयर फॉरफीचर के। उसके बाद जो पैसा नहीं आया वो क्या है, कॉल इन एरियर, वो हमने ऊपर लिखाई हुआ है, कॉल इन एरियर कितना था जी 3700 रुपये, ये देखो कॉल इन एरियर था 3700 रुपये, ये आ गया 3700, ठीक है। चलिए तो ये हो गया हमारे शेयर फॉरफिट, 800 शेयर्स फॉरफिटेड आफ्टर अलॉटमेंट, ठीक है जी, अलॉटमेंट के बाद ही हमने इनको फॉरफिट कर लिया। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एंट्री पर, नेक्स्ट एंट्री क्या होगी जी, नेक्स्ट एंट्री होगी हमारी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू करने की। आइए इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट, क्या होगा जी, देखो फाइनल कॉल पे प्रीमियम है या नहीं है, है 5 + 2 का है, ठीक है, तो फिर तो दोनों के लिए आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। देखो आपने 800 शेयर फॉरफिट कर लिए 3,20,000 में से, तो अब कितने बच गए आपके पास, 3,20,000 में से 800 गए तो 3,19,200 पे आपने 7 रुपए मंगवाने हैं, तो जरा 3,19,200 को 7 से मल्टीप्लाई करो और मुझे बताओ कितना अमाउंट आ रहा है, कितना बता रहे हैं 22,34,400, 22,34,400, ठीक है जी, 22,34,400। अच्छा इसमें से फेस वैल्यू का कितना आना है, फेस वैल्यू का आना है 3,19,200 मल्टीप्लाइड बाय 5, 3,19,200 मल्टीप्लाइड बाय 2 आ गया प्रीमियम का। चलो ये भी बताओ मुझे, जरा बताओ इक्विट कैपिटल का कितना पैसा आना चाहिए, कितना बता रहे हैं 15,96,000, 15,96,000 यानी 96,000। अच्छा ये तो हो गया कैपिटल का,
प्रीमियम का कितना आना है, कितना बता रहे हैं, 6,38,400, सॉरी एक मिनट बेटा, पेन ही गिर गया है, बगैर पेन के तो काम नहीं हो पाएगा। हाँ तो कितना आ गया हमारे पास, ये बताया आपने, 6,38,400, 6,38,400 हमें पैसा रिसीव नहीं हुआ, सॉरी सॉरी पैसा रिसीव नहीं हुआ बोल रहा हूँ, ये प्रीमियम का अमाउंट ड्यू किया। मेरा क्या ध्यान कहीं और चला गया था, मैं सोच रहा था पेन ही गिर जाता और कहीं दूर गिर जाता तो फिर आपके टाइम इसमें रिकॉर्डिंग में ज़्यादा लंबा समय लग जाता। हाँ तो यहाँ पर आ जाइए आप, इनका क्या करें, ये कॉल मनी ड्यू ऑन कितने शेयर, ऑन 3,19,200 शेयर्स आपने ड्यू कर दिया। अगली एंट्री क्या आती है जी, कॉल मनी रिसीव करने की बात आती है, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट करोगे, जो पैसा नहीं आएगा क्योंकि यहां पर भी कुछ लोगों ने पैसा नहीं दिया, उसे एरियर में डालोगे और अपने मेन जो डेटर था इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल उसे खत्म करोगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है, कितने से खत्म करोगे, 22,34,400 से, ठीक है जी, 22,34,000 से खत्म करोगे। कितना पैसा नहीं आया, सर ये जो दूसरा व्यक्ति है ना जीवन के बाद, क्या नाम था इसका, गणेश, गणेश ने 800 कितने के लिए अप्लाई किया था, 2,700 के लिए अप्लाई किया था, पहले तो ये निकालो इसने इसको अलॉट कितने हुए थे, ठीक है 2,700 के लिए अप्लाई किया। तो आइए अगला वर्किंग नोट बना रहे हैं हम लोग, वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू गणेश। देखो जो चीज़ अवेलेबल होती है ना उसे पहले रखते हैं, हमेशा इसमें याद रखना, प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं भी कई बार कंफ्यूज कर जाता हूँ, कंफ्यूज क्या मतलब ध्यान नहीं रहता, फिर बाद में उसे चेंज करना पड़ता है जब करते हैं। आइए तो हमारे पास गिवन क्या है, अप्लाइड, तो आप कह सकते हैं अप्लाइड से स्टार्ट करेंगे, 3,60,000 मांगने वालों को आपने 3,20,000 शेयर दिए थे, इसका मतलब हो गया एक मांगने वाले को आपने कितने शेयर दिए, 3,20,000 डिवाइडेड बाय 3,60,000, इसका मतलब हो गया कि जिन्होंने 2,700 मांगे थे उनको कितने मिले, 3,20,000 डिवाइडेड बाय 3,60,000 मल्टीप्लाइड बाय 2,700। चलिए कैलकुलेट करके बताओ जी, मैं वेट कर रहा हूं। हाँ जी कितना बता रहे हैं, 2,400 बता रहे हैं कि 2,400 अलॉट हुए हैं, तो 2,400 शेयर्स अलॉट हुए थे जिन्होंने 2,700 मांगे, ये बात क्लियर है आपको, यही चाहिए मुझे, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं क्योंकि इनका एप्लीकेशन का पैसा जो अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ होगा वो तो एडजस्ट हो गया और बाकी दे दिया था, कॉल का तो रखा ही नहीं था, तो कॉल के लिए मुझे जैसा हमने जीवन के लिए किया था ऐसा गणेश के लिए करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन्होंने इसको 2,400 अलॉट हुए थे, तो इनका पैसा कितना नहीं आया जी, इनका 2,400 पर नहीं आया पैसा, 2,400 शेयर्स पर हमें 5+2 यानी 7 रुपए नहीं आए, ठीक है, तो बाकी आ गए होंगे, बाकी बैलेंसिंग निकाल लेंगे, जरा 2,400 गुना में 2 करो और मुझे बताओ कितना अमाउंट आ रहा है जी, मैं वेट कर रहा हूं, कितना बता रहे, 16,800, 16,800 आ गया, तो बाकी नहीं आया होगा, बाकी कितना नहीं आएगा, देखो 3,19,200 हैं उसमें से 2,400 पर नहीं आया, बाकी पर आ गया मल्टीप्लाइड बाय 7 कर दो। चलो ये भी बताओ मुझे अमाउंट कितना आएगा, ये जल्दी से बताइए, वेट कर रहा हूं, कितना बता रहे हैं जी, 22,17,600, 22,17,600 आ गए आपके पास, ठीक है। चलिए नरेशन क्या आ गई, कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट 2,400 शेयर्स, 2,400 शेयर्स निकालने हो तो उसके लिए वर्किंग नोट मैंने बना रखा है कि कैसे निकले 2,400 शेयर। इसके बाद अगली एंट्री बनती है एंट्री नंबर 8, क्या बनेगी एंट्री, ये बनेगी फॉरफीचर की, कि इन 2,400 शेयर्स ने पैसा नहीं दिया तो इनके शेयर फॉरफीट करो। आइए एंट्री करें, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, इनका प्रीमियम नहीं आया था, इनका भी कॉल पे ना फाइनल कॉल पे प्रीमियम था तो वो खत्म करना पड़ेगा, जो प्रीमियम नहीं आया, जो प्रीमियम आ चुका है उसको तो भूल जाओ, पर जो नहीं आया उसका रिवर्सल होगा, ठीक है। टू शेयर फॉरफीचर में क्या आएगा, जो पैसा आ चुका है किसका, फेस वैल्यू का, और जो नहीं आया वो जब्त करेंगे, हमने कॉल इन एरियर में डाला हुआ है, कॉल इन एरियर अकाउंट, ये हमारे पास गिवन है, मैं पहले सबसे कॉल इन एरियर लिख देता हूँ,
इन्होंने 16,800 नहीं दिए, 16,800 नहीं दिए इन्होंने। अच्छा, इनसे हमने मंगवाया कितना था? हमने इनसे 2400 पर पूरे 10 रुपए मंगवाए थे, यानी कि 24,000 मंगवाए थे। इनका प्रीमियम कितना नहीं आया? इनका 2400 पर 2 रुपए, आखिरी वाला प्रीमियम नहीं आया था, तो कितना हो गया? 4800 रुपए। इन्होंने दिया क्या? इन्होंने दिया क्या, फेस वैल्यू की बात करना। 2400 पर इन्होंने आखिरी के 5 नहीं दिए, तो शुरू के 5 तो दिए थे, तो ये 12,000 ये आ गए, 12,000 ही आएंगे ना। देखो, अच्छा अब इनका टोटल करो, ये मेरा बन रहा है 28,800, इनका देखो 28,800 ही बन रहा है। ठीक है, तो सही आ गया हमारे पास ये। नरेशन क्या लिखोगे? 2,400 शेयर्स फॉरफिटेड, ठीक है, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल लिख देना। अच्छा, इसके बाद हम री इश्यू पर आए। री इश्यू में एंट्री नंबर 9 पे क्या होगा? हमारे पास पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे। कम आया है जो पैसा, वो कहां से लेंगे? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट से लेंगे, ठीक है। और पैसा जाएगा कहां? कैपिटल में, इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएगा ये पैसा सारा। अच्छा देखो, कितने शेयर फॉरफिट नहीं, री इशू होने थे, जरा देखें एक बार क्वेश्चन ने क्या कहा था। क्वेश्चन ने कहा था कि 1500 शेयर री इशू कर दो। अच्छा, अब आपको पता लग गया टोटल शेयर कितने थे, 800 शेयर प्लस 2400, क्लियर है ये बात? ठीक है, इसमें से 1500 शेयर आपने री इशू करने हैं 8 रुपए के हिसाब से, और इसमें जीवन के सारे शेयर इंक्लूडेड हैं। आइए पहले तो 800 नहीं, 1500 शेयर री इशू करो 8 रुपए के हिसाब से। 1500 शेयर री इशू करोगे 8 रुपए के हिसाब से, तो नुकसान कितना हो गया? 1500 पर 2 रुपए का नुकसान हुआ। जरा 1500 गुना में 2, 3,000, और ये कितना आ गया? 12,000। टोटल कितना आ गया जी? 15,000 रुपये। ये क्या हो गया? 1500 शेयर्स री इशूड, आपने इन्हें री इशू कर दिया। इसके बाद एंट्री नंबर 10 में क्या करेंगे? जो री इशूड शेयर्स का फॉर फ्यूचर का बैलेंस बचा है आफ्टर री इशू, उसे ट्रांसफर करना है कैपिटल रिजर्व में। आइए, एंट्री सिंपल है, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है जी। चलिए, बट इसका अमाउंट निकालना है, वो निकालें हम लोग। तो पहले तो मुझे ये देखो, हमने फॉरफिट किया था तो किसका कितना था? देखो, जो 1500 नहीं, ये तो 1500 ही है। यहां देखो, 2400 पर तो 12,000 रुपये थे हमारे पास, 2400 शेयर पर 12,000 रुपये हमने फॉरफिट किए हैं, और यहां किए थे हम लोगों ने ये 1900 किए हैं हमने 800 शेयर पर। तो 2400 पे 1200, 1900 पे 800। आइए इस चीज को याद रखो, मैं यहां लिखूंगा, हम अगला वर्किंग नोट बनाएंगे। पहले ये देख लो कि 2400 शेयर जो थे उन पे कितने रुपए थे? ये शेयर्स हो गए, इन पे थे हमारे पास 12,000 रुपये, और जो 800 शेयर थे उन पे हमारे पास 1900 रुपये फॉरफिटेड हैं, ठीक है। हम कर क्या रहे हैं, हम वर्किंग नोट बना रहे हैं। वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, उसने कहा है जो री इशू हुए हैं ना, वो सारे शेयर किसके हैं? जीवन के तो हैं ही, बाकी भी हैं। तो सुनो ध्यान से, अगर री इशू पर आऊं मैं, तो री इशू में ये 800 के, तो 800 पूरे री इशू हो गए। इस 2400 में से कितने यूज हुए? भाई टोटल 1500 शेयर हैं, 1500 शेयर्स हैं, 800 इसके आगे, तो बाकी कितने बच गए जी बताओ? 700। तो 700 हमने लिए, 700 शेयर लिए, यहां पे शेयर लिए। अब 700 शेयर लिए और 800 इसके लिए, तो अगर हम देखें 800 शेयर्स के ऊपर कितना अमाउंट है, अमाउंट बनता है हमारा रुपीज 1900 शेयर फॉर फ्यूचर का। ये मैं कह सकता हूं शेयर फॉर फ्यूचर बैलेंस निकाल रहे हैं, शेयर फॉर फ्यूचर बैलेंस ऑन री इशू देख रहे हैं, ठीक है। प्लस जो 700 शेयर हैं उनका पैसा कैसे निकालें? देखो, उनका 12,000 जो है वो 2400 शेयर का है, तो जरा 700 का कितना होगा मुझे बता दो, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ, मैं वेट कर रहा हूं आपका। हाँ जी बताइए, कितना बता रहे हैं? 3,500, ठीक है, 3,500 ये आ गया। टोटल कितना पैसा बना है जरा कैलकुलेट करो, 1900 प्लस 3,500 रुपये कितना बता रहे हैं? 5,400, 5,400 रुपये हमारे पास टोटल आ गया। यह क्या आ गया? अवेलेबल बैलेंस आ गया, ठीक है। इसमें से
आपने यूज कितना कर लिया, यूज्ड एट द टाइम ऑफ री इशू। री इशू ऐसा कर क्यों रहे हैं, ध्यान रखना, क्योंकि जो री इशू है ना उन्हीं का बैलेंस ट्रांसफर होगा बचा हुआ, इसलिए री इशू का पहले बैलेंस निकाल लिया हमने। अच्छा कितना यूज किया हमने, हमने किया है 3,000 रुपए यूज, ठीक है ना, शेयर फॉर फ्यूचर का यूज किया है ना फॉर री इशू के समय 3,000, तो 3,000 आपने यूज कर लिया, तो बच कितना गया रिमेनिंग, रिमेनिंग बच गया हमारे पास 2,400। तो ये 2,400 क्या होगा, ये ट्रांसफर हो जाएगा ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है जी। चलिए 2,400 ट्रांसफर कर दें कैपिटल रिजर्व में। आइए लास्ट काम था हमारा, हमने ये भी कर लिया 2,400। नरेशन क्या आ गई, बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व आफ्टर कंसिडरिंग लॉस ऑन री इशू। री इशू में जो नुकसान हुआ उसे कंसिडर करने के बाद जो बैलेंस बचा ऑन कितने थे 1,500 शेयर्स, 1,500 शेयर्स का हमने ट्रांसफर कर दिया, बाकी बचा हुआ है अभी भी। चलिए तो ये हमारा काम खत्म हो गया, क्वेश्चन खत्म इसके साथ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल सकते हैं। आप चाहें तो मैं आपको एंट्रीज एक बार दोबारा दिखा देता हूँ, वर्किंग नोट भी दिखा दूंगा। ये लीजिए पहली एंट्री, आपने एप्लीकेशन का पैसा रिसीव किया। दूसरी एंट्री में क्या किया, एप्लीकेशन के पैसे को एडजस्ट किया, अलॉटमेंट ड्यू किया, अलॉटमेंट रिसीव किया। जो पैसा नहीं आया 800 शेयर पर, इसलिए शेयर फॉरफिट कर लिए एंट्री नंबर 5 में। एंट्री नंबर 6 में कॉल ड्यू किया, एंट्री नंबर 7 में कॉल रिसीव किया, यहाँ भी उसके बाद फॉरफीचर किया कॉल के बाद, और यहाँ उसके बाद 9 में री इशू हुआ, और ये आखिरी जो एंट्री नंबर 10 है यहाँ पे क्या किया, शेयर फॉरफीचर का जो बच गया बैलेंस री इशूड शेयर्स का उन्हें ट्रांसफर कर दिया कैपिटल रिजर्व में। वर्किंग नोट देख लो, ये आपके पास वर्किंग नोट नंबर 3 दिखा देता हूँ पहले। वर्किंग नोट नंबर 3 जो जिससे हमने निकाला कि कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा कैपिटल रिजर्व में। वर्किंग नोट नंबर 2 है जहां पे हमने निकाला है कि भैया कितने शेयर अब अलॉट हुए थे गणेश को, जिसने अप्लाई किया था कितने शेयर्स के लिए, 2,700 के लिए, तो 2,400 अलॉट हुए थे। पहला वर्किंग नोट जीवन ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और उसका पैसे वगैरह एडजस्ट किया हमने, यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1 है। चलिए तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके,